प्यारे बच्चों, मैं संदीप श्रीवास्तव करण सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जो परावर्तन वाला टॉपिक चल रहा था वो पिछले वीडियो में समाप्त हो गया। उसमें सारी थ्योरी और सारे न्यूमेरिकल्स आपको विधिवत लगवाए गए, समझाए गए हर चीज़। अब नया टॉपिक आएगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन क्या होता है? देखिए, परावर्तन में क्या होता था, प्रकाश किरण किसी तल से टकराती थी और उसी माध्यम में वापस लौटती थी। मगर अपवर्तन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि प्रकाश किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस नहीं लौटेगी, बल्कि वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसमें कुछ डेविएशन होगा, कुछ विचलन होगा, तो ये जो घटना होगी ये अपवर्तन कहलाएगी। तो इसको अगर हम सही शब्दों में परिभाषित करें तो क्या परिभाषा निकल के आएगी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम की बात अगर की जाए यहाँ पे, तो दो तरह के माध्यम हो सकते हैं, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब होता है घना माध्यम। जैसे पानी और वायु की बात की जाए तो पानी घना है, उसके अणु पास पास हैं, तो वायु की तुलना में पानी जो है वो सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। अब अगर पानी और कांच की तुलना की जाए तो कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, या पानी विरल माध्यम है। तो अब यहाँ पर भी एक नियम निकल के आता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो इसके नोट्स हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम अपवर्तन जान लें क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब दो तरह के माध्यम हैं, एक सघन माध्यम है और दूसरा विरल माध्यम में है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा, ये भी जानना यहाँ पे आवश्यक है। तो नई लाइन से लिखेंगे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुकती है, तथा
जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम से इसको समझाते हैं। मान लीजिए ये है, इधर है वायु और इधर है कांच, ये अभिलंब है। मान लीजिए कांच से जा रही है ये कोई किरण, ठीक है, तो इसको वैसे तो ऐसे जाना चाहिए था सीधे, मगर ऐसा नहीं होता है। कांच जो है वो सघन माध्यम है और वायु जो है वो विरल माध्यम है, तो इसलिए ऐसे न जाके बल्कि अभिलंब से दूर हटते हुए जाएगी ये। तो देखिएगा, ये जो कोण होगा, ये आई, ये आपतन कोण होगा। यहाँ पे जो आई है ये क्या है, आपतन कोण है, और ये जो कोण होगा अभिलंब से ये होगा आर, आर जो है वो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। ठीक, दो चीजें हो गई। ये जो किरण है वो कौन सी है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये जो किरण है ये कैसी है, ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक, तो देखिए इसको सीधे जाना चाहिए था, मगर ये सीधे नहीं जाएगी बल्कि इसमें एक डेविएशन होगा, इसमें एक विचलन होगा, और चूंकि कांच से वायु में जा रही थी, कांच सघन माध्यम था और वायु विरल माध्यम थी, इसलिए यहाँ से जाने के बाद अभिलंब से दूर हटती है। अब मान लीजिए माध्यम अगर चेंज है, मान लें कि इधर वायु है और इधर ही कांच है और ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ठीक, तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण आई हो जाएगा। अब वायु से कांच में जाती है, अगर माध्यम यहाँ पे चेंज न होता तो ये ऐसे सीधे जाती, मगर चूंकि ये विरल से सघन में जा रही है इसलिए ये इस तरीके से जाएगी, अभिलंब की ओर झुकते हुए जाएगी, तो ये जो कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आर। ठीक है, परावर्तन की स्थिति में क्या होता था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता था, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान भिन्न भिन्न होंगे। किसके हिसाब से, माध्यम के हिसाब से, जैसे ही माध्यम चेंज होगा वैसे ही इनके कोणों के मान भी बदल जाएंगे। बस एक चीज रहेगी कि हम आई आपतन कोण यहाँ भी दिखाएंगे और आर अपवर्तन कोण दिखाएंगे। तो ये इसकी परिभाषा हो गई प्रकाश के अपवर्तन की। माध्यम में हमने बता दिया जब किरण जाती है तो क्या होता है, इसके दोनों चित्र हमने बना के समझा दिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर अपवर्तन के नियम बताए जाएं। तो बच्चों, ये बात तो हुई अपवर्तन के बारे में, बेसिक चीज की अपवर्तन क्या है और माध्यम बदलने से प्रकाश किरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम अपवर्तन के नियम देखेंगे। जैसे हम पिछली बार परावर्तन वाले पाठ में परावर्तन के नियम देख रहे थे, दो नियम वहाँ पे होते थे, ऐसे ही यहाँ पे अपवर्तन के दो नियम हैं, लेकिन उससे भिन्न हैं।
तो क्या भिन्न है ये हम देखेंगे, पहले नोट करेंगे उसके बाद में उसको समझाएंगे। पहला जो नियम है वो है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीन ही चीजें होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तल पर आपतित किरण आएगी उसी तल पर अपवर्तित किरण जाएगी और उसी तल पर उसका अभिलंब होगा, उनके तल भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कि एक उधर से आ रही है तो एक इधर को जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। जिस तल पर, मान लीजिए ये एक हमारा सरफेस है, ये तल है बोर्ड, तो इस पर अगर आपतित किरण आ रही है तो इसी पर अपवर्तित किरण जाएगी और अभिलंब भी इसी पर ही होगा। तो बड़ा आसान सा नियम है, परावर्तन के पहले नियम से मिलता जुलता है। दूसरा नियम थोड़ा सा चेंज है, देखिए, किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए, किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए, अलग अलग नहीं, किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यदि अपवर्तन कोण आई है, सॉरी आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, तो आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर की स्थिति में ये नियम क्या कह रहा है कि साइन आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती है साइन आर के। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल के चिन्ह की जगह पर हम बराबर का निशान लाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे साइन आई बराबर जब आएगा तो एक नियतांक आ जाएगा एन साइन आर। थोड़ा सा और इसको हल करें, साइन आर को इधर भेजें तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहां एन एक नियतांक है जिसे माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। तो
साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू एन, जहां एन एक नियतांक है जिसे माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसी सूत्र के आधार पर इस ये नियम दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो दूसरे शब्दों में इस दूसरे वाले नियम को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। अब चूंकि अनुपात है ये, इसलिए इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। कोई भी अनुपात अगर होता है तो उसका मात्रक नहीं होता। जैसे ये कोण है साइन आई, मान लो डिग्री में है, नीचे भी डिग्री में, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी, ये ध्यान रखिएगा, चाहे मैथ हो या फिर साइंस हो, किसी भी अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दे लीजिए कि इस नियम को क्या कहा जाता है, इस नियम को स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, बहुत पूछा जाता है स्नेल का नियम लिखो, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये जो दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये अपवर्तन के नियम हो गए, उसका सूत्र हो गया, और स्नेल का नियम भी हमने बता दिया। इसे कहते हैं दूसरे नियम की दो परिभाषा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, ठीक है। तो इसको कायदे से तैयार करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखिए, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपने देख लिया पहले कि अपवर्तन क्या होता है हकीकत में, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आपको जानकारी हो गई होगी कि अपवर्तन क्रिया कौन सी है, क्या होता है ये, और इनके नियम कौन से होते हैं। अब इसके बाद किरणें कुछ और प्रभाव उत्पन्न करती हैं जब माध्यम बदलती हैं। जब प्रकाश किरणें माध्यम बदलती हैं तो कुछ और प्रभाव उत्पन्न करती हैं, और वो कौन से प्रभाव होते हैं, उनके अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहली चीज़ देखेंगे कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। प्रकाश की चाल जो होती है उसमें और अपवर्तनांक में, पदार्थ के अपवर्तनांक में क्या परिवर्तन संबंध होता है, देखिएगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, निर्वात दिया है तो निर्वात, अन्यथा वायु, दो में से एक होना चाहिए। कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो कोई सा भी माध्यम हो सकता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक n क्या होगा, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर हम वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को c माने और माध्यम जिसमें निकालना है उसमें प्रकाश की चाल को v माने, तो जो सूत्र निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, n इज इक्वल टू c अपॉन v। तो ये संबंध इसके बीच में होता है। अब अगर प्रकाश की, वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है, अपवर्तनांक निकालना है, आराम से सूत्र में फिट करिए,
वैल्यूज को पुटअप करिए और तुरंत निकाल लीजिए, या फिर आप वर्तनांक दिया है, निर्वात में वायु की या वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, तुरंत वैल्यूज पुट करिए और तुरंत मान निकल के सामने आ जाएगा। इसके बाद प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, तो ये समझेंगे हम इस चित्र के माध्यम से। मान लेते हैं कि ये कांच का समतल पृष्ठ है। देखिए अब यहाँ पे दो तरह के पृष्ठ जैसे हम अपवर्तन में देखते थे, समतल पृष्ठ और गोलीय पृष्ठ, जब परावर्तन में पढ़े थे तो उसमें देखे थे, वैसे ही हम अपवर्तन में समतल पृष्ठ और गोलीय पृष्ठ देखेंगे। तो ये एक समतल पृष्ठ है, कांच का टुकड़ा है, बाहर से वायु से प्रकाश की एक किरण इस पर आती है, तो बाहर माध्यम वायु है और इसके अंदर माध्यम कांच है, यानी कि बाहर जो है वो माध्यम कैसा है, विरल है। यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इधर वायु है और माध्यम कैसा है, ये विरल है, और इसके अंदर कांच है और ये माध्यम कैसा है, सघन है। तो बच्चों अब आप बता दीजिए, हम पहले इतना बता चुके हैं कि जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। वैसे क्या होता है, ये सीधी जाती मगर माध्यम बदल गया, बाहर विरल था, विरल से आई सघन में, तो माध्यम वो अभिलंब की वो ओर झुक गई। अब देखिए यहाँ पर ये तो कांच का ही टुकड़ा है और बाहर फिर से वायु है, बाहर फिर से क्या है, वायु है, और वायु कौन सा माध्यम हो गया, अब विरल हो गया, तो अब क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर हट रही है। समझिएगा एक बार फिर से कि जब वायु से कांच में जा रही है तो माध्यम सघन होने के कारण अभिलंब की ओर झुक रही है, और जब कांच से फिर वायु में जा रही है तो माध्यम विरल होने के कारण अभिलंब से दूर हट रही है। तो यहां पर यदि ये आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण ये वाला आर है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए एन जी, ए लिखेंगे प्रीफिक्स में छोटा, जी लिखेंगे सफिक्स में छोटा, एन बड़ा जैसा बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा। तो वायु के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है, एयर ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसका निकालना है बाद में होता है, जिसके सापेक्ष निकालना होता है पहले होता है, बराबर साइन आई बटे साइन आर, अभी हम देख चुके हैं अपवर्तन के नियम से। और जब उल्टा निकालना हो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तब क्या होगा, तब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी वन अपान ए एन जी, तब क्या हो जाएगा, वन अपान ए एन जी, और ये पलट जाएगा, तब क्या होगा, जी एन ए हो जाएगा यहाँ पे, तो जी एन ए बराबर हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। तो इस तरीके से ये उत्क्रमणीयता भी यहाँ पर क्लियर हो गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे की बात की जाए। तो बच्चों इस तरीके से थ्योरी इस लेसन की समाप्त हो गई है आपकी, जो अपवर्तन वाला था। अब अगला लेसन जो चलेगा वो चलेगा लेंस, यानी अर्थात गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन जो रिलेटेड चीज़ें थी, समतल पृष्ठों पर कह लो या अपवर्तन के नियम कह लो, जो कुछ भी, ये कंप्लीट आपका यहाँ पे हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल्स इसके देख लेते हैं, जो आंकिक प्रश्न आते हैं उनको देख लेते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को समापन करते हैं और अगले वीडियो में लेंस के साथ मिलेंगे। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का सोल्यूशन हम बोर्ड पर देंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। वायु के सापेक्ष, पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ए एयर है, डब्लू वाटर है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इन्होंने दे रखा है 2, तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल यानी कि V पूछ रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं दी है, मगर हमें पता होना चाहिए कि वायु में प्रकाश की चाल, सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए तुरंत, क्योंकि ये नहीं दिया होगा, आपको अपनी तरफ से डालना होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर K
3×10^8 m/s। तो ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपान वी। अभी हमने आपको सूत्र बताया था सी अपान वी, मान डाल दीजिए 2 × 10^8 m/s है, 3×10^8 / v पक्षांतर कर लीजिए तो v बराबर हो जाएगा 3×10^8/2 यानी कि 1.5×10^8 m/s। ये आंसर आ गया इसका। अब दूसरा सवाल है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4 है, वायु के सापेक्ष कांच यानी ग्लास का अपवर्तनांक 4 है तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? ए एन डब्ल्यू निकालना है, बड़ा आसान है। ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एन जी अपान डब्ल्यू एन जी यानी 4/2, 2×2, 2×2=4 कोई मात्रक होता ही नहीं है, आंसर आ गया। अगला, प्रकाश की एक किरण कांच के गुटके पर 60 अंश के आपतन कोण से आपतित होती है। तीसरा सवाल, आपतन कोण I बराबर दिया है 60 डिग्री। यदि अपवर्तन कोण 32.7 डिग्री है, यदि R का मान दिया है 32.7 डिग्री, तो कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, n निकालना है। तो n बराबर है साइन i/sin r, मान डालिए साइन 60 डिग्री/sin 32.7 डिग्री। साइन 60 का मान तो हमें मालूम है कि √3/2 होता है, मगर साइन 32.7 का मान निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो ये मान दिया होगा। अगर न्यूमेरिकल आपके में ऐसा आएगा तो ये मान दिया होगा। तो सबसे पहले हम √3 को 2 से भाग दे दें, √3 का मान डालेंगे 1.732 और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे तो 0.86 आएगा, और नीचे इसका मान दिया होगा 0.54। इसको हल करोगे तो ये अपवर्तनांक आ जाएगा 1.6, ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और न्यूमेरिकल और देखते हैं और उसके बाद समापन करते हैं इसका। तो 4 नंबर सवाल है बच्चों कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 m/s है, यहाँ पर दे रखे हैं। वायु में प्रकाश की चाल को हम c से व्यक्त करते हैं, ये दी गई है 3×10^8 m/s। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, n दिया गया है 1.5 और v निकालना है। सूत्र बड़ा आसान है, n इज इक्वल टू सी अपान वी, पक्षांतर कर लो यहीं से तो v बराबर हो जाएगा सी अपान n यानी 3×10^8 / 1.5 0 = 15 × 15 = 30 = 2×10^8 m/s। आंसर देखिए कितने सरल न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। अगला सवाल देखते हैं, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 1.5। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए तो gNa निकालना है, तो g
एन ए इज इक्वल टू वन अपान ए एन जी, अभी सूत्र बताया था, तो एक बटे 1.5 इसको हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 5 × 15 5 × 2 = 10, 2/3 हो गया, 0.0 लगाया, 0 बढ़ाया, 3 × 6 = 18, 6 आएगा, इतना आ गया 0.67। ये 5 नंबर सवाल आ गया। एक तरह के सवाल और आ सकते हैं कि माध्यम अगर दे रखे हैं, जैसे इन्होंने 6 नंबर देख लेते हैं यहीं पे, अगर इन्होंने माध्यम दे रखा है, जैसे मान लो ये माध्यम है, ये यहाँ पे अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, ये 30 डिग्री है और ये यहाँ पे मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो अपवर्तनांक निकालना हो तो n बराबर साइन i अपान साइन r, मान डालिएगा साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो n बराबर साइन 30 का 1/2 बटे इसका अंडर रूट 3/2, 1/2 आ जाएगा, पलट के 2/√3 ऐसे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 1/√3, चाहे यहीं पे आंसर कर दो या √3 का मान डाल के पॉइंट में निकाल लो। तो इस तरीके का ये सवाल, तो खैर हमने इसी पे लगा दिया, ये आपकी बोर्ड पे नहीं मिलेगा, बाकी ये जितने भी सवाल जो 5 हैं इसी तरह के, सारे तरह के हमने सवाल आपको बता दिए, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई सा भी न्यूमेरिकल आपके इस पाठ में नहीं आएगा। अगला जो पाठ हम लेंस पढ़ाएंगे उस पाठ में काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, शायद एक वीडियो न्यूमेरिकल्स का ही बने, इसके पहले थ्योरी का एक वीडियो बनेगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, ज़रूरत है प्रैक्टिस की, कायदे से खूब वीडियो देखिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस वीडियो का यहीं पे समापन करता हूँ, जल्दी ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।